सूबे के अयोध्या जिले में राजकीय नर्स संघ ने सरकार की ओर से एक बराबर प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्स संघ ने जिला चिकित्सालय में बाहर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार शासनादेश में बदलाव कर सभी लोगों को राशन दे। आज हम सभी लोग सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन धनराशि देने में जिस तरह का मतलब आपस में भेदभाव किया गया है, इस चीज़ के लिए हम लोग इसका शासनादेश की छाया प्रति जला के इसका सांकेतिक विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हम सभी लोगों का एक रूपता करके कोई शासनादेश जारी किया जाए। शासन द्वारा जारी किया गया भेदभाव तरीके से प्रार्थना प्रत की आदेश की कापी जलाई गई और शासन से मांग की जाती है कि सारे लोग कोविड महामारी में ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए सभी लोगों के लिए एक रूपता का शासनादेश होना चाहिए। अब अधूरा शासनादेश हम लोग इसको जला के और इसका विरोध करते हैं। कृपा शंकर चौधरी, महामंत्री मंडलीय सचिव अयोध्या शाखा। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होगी, सब क्या करेंगे? इसके बाद प्रांत का जो हमारे निर्देश होगा उसी के तहत हम कोविड का पालन करते हुए और अगला कार्यक्रम हमारा प्रांत का जो निर्देश होगा उसी हिसाब हम अगला कार्यक्रम लगाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि सरकार ने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन से अतिरिक्त 25% राशन देने की घोषणा की है। इसमें सभी को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार शासनादेश में बदलाव कर सभी लोगों को इसका लाभ दे, जिसमें संघ के जनपद शाखा मंत्री अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी शासनादेश में केवल उन्हीं कर्मी को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान दिया गया है जो कोविड अस्पताल में कार्यरत हैं। शेष स्वास्थ्य कर्मियों को इससे अलग कर दिया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है।